तो गाइस कैसे हो लोग। आज की सॉरी वीडियो के अंदर मैं दोबारा से खेलने जा रहा हूँ माइनक्राफ्ट एंड सर्वाइवल वर्ल्ड। तो आज अपन बनाने वाले हैं एक फार्म जो कि बहुत ही बढ़िया होने वाला है, जहाँ पे अपन भैंस गाय और भेड़ देंगे और अपनी खेती भी करेंगे बढ़िया सी। एंड गाइस वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना। एंड गाइस एक मजेदार जे देखो, ये देखो भाई कितनी मजेदार चीज है। तो मुझे पानी भी दे सकते हो, ऐसी छत बनाई है भाई मैंने, वो पानी टपकता भी नहीं है। चलो गाइस तैयारी करते हो उसे बनाने की। उसे बनाने के लिए हमें चाहिए बहुत सारी चीजें जैसे फेंसेस। तो अभी अपन इधर से निकलते हैं। अरे भाई गाइज अभी अपन इधर से एक ओपी वाली एमएलजी मारते हैं अभी अपन। और भाई आज मेरी ये शॉर्ट की एंचेंटमेंट भी चली गई, मतलब मैं लास्ट टाइम लगाई थी तो फिर मॉब्स को मारते मारते उसकी हेल्थ कम होगी। अब हेल्थ कम हो गई तो भाई साहब उसमें क्या कहते थोड़ा सा इशू हो गया। हेल्थ कम हो गई तो क्या कहते हो, अब मैंने सोची कि इसको एक बिना एंचेंटमेंट वाली शॉट से रिप्लेस मारते। अब मैंने जैसे ही दोनों को कंबाइन किया भाई साहब दोनों एक हो गई जी। कौन सी बात है, नहीं भाई दोनों एक ही हो गई। तो अभी अपन के पास थोड़े फूड बचे थे। अबे यार ये तो वो अमीरी थोड़ी दिखानी पड़ती है यार। तो अभी अपने पास ये वुड है, वुड बहुत है भाई, वुड बहुत है। तो अपन एक काम करते हैं अपन, अरे रहने दो पूरे पूरे इधर रखते हैं और 20 वोल्ट ब्लॉक की वो बना लेते हैं। ठीक है ठीक है, 20 वोल्ट ब्लॉक के प्लैंक्स बना लेते हैं। चलो और इन 16 वोल्ट ब्लॉक की ये 32 हो गई, नहीं है 48 गाइस अपने यहाँ पे क्राफ्ट कर लिए। एंड अभी अपने को कुछ बनाने हैं ये, एंड एक स्टैक हो चुके हैं लेट्स को। अभी अपने को बनाना है फेंस गेट। ओके तो फेंस गेट भी अपने बन चुके हैं। एंड अभी अपने को ढूंढनी जगह खेती करने के लिए, खेती करने के लिए एकदम उपजाऊ जमीन ढूंढनी पड़ती है गाइस। और अरे भाई ये कौन सी एम एल जी थी भाई, मुंह बढ़ गया सेटिंग्स करो गेम की। चलो गाइस अभी उपजाऊ जमीन ढूंढनी पड़ेगी। उससे पहले तो यहाँ पे थोड़ा सा पर्यावरण को खतरा पहुंचाते हैं जिससे हमें थोड़े से सीड्स मिलेंगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में, फर्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में जो कि मुझे विलेज अपने आप दिख गया था, तो वे देख सकते हो। इन पम्पकिन्स को भी उठा लेते हैं क्योंकि इनके भी बीज होते हैं बहुत सारे, इनके भी सारे के सारे सीड्स उठा लेंगे एंड फिर इनकी भी खेती करेंगे। बाकी आलू वालू तो अपने यहाँ पे मिल ही जाएंगे, ये विलेज में जो रहते हैं अपन। तो फिर फटाफट से इनको कलेक्ट करते हैं एंड आलू वालू की तलाश में भी चले जाते हैं। सबसे पहले इधर पानी डालते थोड़ा सा, ये देख रहे हो कितना लकी हूँ मैं, सीड ऐसे ही मिल गया। गाइस अभी अपने पास देखते हैं कितने सीड हो चुके हैं। एंड अपने पास 4 सीड्स हैं तो ठीक है, 4 सीड्स बहुत है, बाकी से खा लेते नहीं तो अपनी बैंड बच जाएगी। अब फटाफट से चलते हैं अपने घर की ओर। एंड आई थिंक हमें फार्म बनाना चाहिए यहीं आसपास कहीं पे। ओके गाइस यहाँ पे और सीड्स मिल चुके हैं एंड फार्म आई थिंक अपने को इस साइड बनाना चाहिए। ठीक है, नहीं यार घर के बगल में ऐसा फार्म अच्छा नहीं लगेगा, तो अपन एक काम करते हैं पीछे बनाते हैं, घर के पीछे भी थोड़ी सी जो कि लैंड है। एंड हाँ भाई यहाँ पे बन सकता है एक फार्म क्योंकि अपनी जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी। जी देखो ये देखो मैं पिल्लर खड़ा किया था अभी तक है वो। और बाकी अभी अपन इधर फार्म बनाने की तैयारी में लगते हैं। अभी तो अपन ऐसे ही बेसिक बना रहे हैं फार्म। अभी मैंने तो अपना फार्म बना दिया, वहां पे देख सकते हो ये रहा अपना फार्म। एंड यहाँ पे बीच बीच में थोड़े से गैप छोड़ दिए मैंने गैप्स। एंड अभी ये देख सकते हो फार्म अपना एकदम बढ़िया सा दिख रहा है, लेकिन अभी अपने को इसमें गेट लगाना है, एक गेट जो कि अपने लगा दिया है। एंड अभी अपने को जाना है थोड़ी सी सीड्स की तलाश में क्योंकि सीड्स नहीं होंगे तो खेती किस चीज की करेंगे भाई। गाइस मैं सीड्स की ऐसे टेंशन क्यों ले रहा हूँ भाई, जब अपने यहाँ पे ही बहुत सारे खेत हैं अब इन बंदों के, तो फिर भाई टेंशन किस बात की। फटाफट से चलते हैं इनके खेत में और उठाते हैं इनके बीज। भाई साहब इनके बीज कब आएंगे काम भाई हैं। फटाफट से चलते हैं इनके बीज को लेके। गाइस तो इन सारे मतलब पूरे गांव से अलग यहाँ पर 3 घर दिख रहे हैं एंड यहाँ पे भी एक ही खेत है। तो अभी ये बीट वाला है। यस गाइस देखो कहीं की भी जमीन उजाड़ो लेकिन वहां के सीड मत छोड़ो। आलू भी है भाई यहाँ पे, आलू की भी खेती करेंगे भाई, टेंशन नहीं है कोई। यहाँ पे मैंने सारे के सारे सीड्स कलेक्ट कर लिए। आलू आलू इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सीड, मतलब सीड नहीं वो वेजिटेबल, लेकिन उसको उगाना है ना तो वो इम्पोर्टेंट है। गाइस
अभी तो अपन इन चीज को उगा रहे हैं, लेकिन अगर मेरे एग्जाम स्टार्ट होते तो एक भी वीडियो नहीं डालूंगा। अभी रात हो चुकी है एंड अपने को सोना पड़ेगा, घंटा भी बजा देते हैं ताकि ये बंदे सो जाए। गाइस सबसे पहले अपने को बनानी है एक टूल जो कि है स्टोन की, बना लेते हैं, ज्यादा सोर्स भी नहीं लगता उसमें, अपन बना लेते हैं उसकी, ठीक है, स्टोन की। तो अभी फटाफट से बनाते हैं उसे, जो कि खेती करने काम आती है। हाँ यस हो, इसको साइड में रखते हैं ना भाई, नहीं इसको अभी किसी लड़ने वड़ने नहीं जाना है, अभी अपने को बनानी हो तो हो के लिए अपने को यहाँ पे पिकैक्स है, हो बन चुकी है गाइस, बढ़िया हो बन चुकी है अपनी ये, एंड इसमें रख देते हैं फटाफट से, इसको इसमें रख देते हैं, ये फालतू तो सामान इसमें ही रखते हैं भाई, एंड का फटाफट से जाके सो जाते, नहीं तो ये बाहर ज़ॉम्बी जो क्या अपनी बैंड बजा देंगे। चलो गाइस, ओके गाइस, सो के सुबह हो चुकी है एंड अभी अपन जाते हैं वापस अपने काम पे, अपना फार्म बनाने के लिए। ये देखो इस बार की है प्रो लेवल वाली है मिल, अरे भाई मुंह बढ़ गया लेकिन आते गाइस, तो सामने देख अपना फार्म एंड इसके सामने घास है, सीड नहीं दिया जिसने, एंड चलो यहाँ पे करते हैं खेती। जहाँ पे टोटल कितने ब्लॉक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है, ठीक है। तो पहले तो अपन ऐसे कर लेते हैं, नदी टाइप की बनानी पड़ेगी इधर, तो उसके लिए अपन यहाँ पे गड्ढे खोद देंगे, और फिर क्या कहते हैं नदी टाइप की बन जाएगी यहाँ पे। एंड अभी गाइस मुझे और भी वो लाने पड़ेंगे पानी, तो फिर यहाँ से भर जाएगा, ओ ओ भाई भर जाता है। गाइस यार ये चीज बड़ी बढ़िया है कि अपन जहाँ पे रहते हैं वहीं पे पानी का वो है, तो फिर अपन क्या कहते हैं वहां से भर सकते हैं। ओके गाइस यहाँ पे एक नदी बन चुकी है एंड अभी उस साइड की जमीन उपजाऊ ही रहेगी, जिसको अपन ऐसे उगा दे। देखो भाई साहब जमीन उपजाऊ ही नहीं कि कहाँ सूख गई, भाई साहब दिमाग खराब हो जाता है इन सब चीजों के चक्कर में। ओके गाइस तो यहाँ पे देख सकते हो तुम्हारा भाई आशीष द फार्मर, ये बहुत बढ़िया है गाइस। ओके गाइस तो इस साइड अपन आई थिंक आलू की खेती करेंगे, फटाफट से आलू उगा देते हैं, एंड गाइस पम्पकिन पम्पकिन भी लाए थे अपन, पम्पकिन सीड्स निकाल लेते हैं इसमें से, 52 पम्पकिन सीड्स भाई, इसकी तो तगड़ी खेती होगी। चल भाई चिकन ना आ गई थी दिमाग खराब करने, एंड ये होगी अपनी बीट्स की खेती, एंड इस साइड करेगा तुम्हारा भाई अपने पम्पकिन की खेती। अपने को एक एरिया छोड़ना पड़ता है इनके लिए, जैसे कि यहाँ पे अगर पम्पकिन उगाएंगे तो पम्पकिन को उगने के लिए भी एक लैंड चाहिए होता है, जो कि वो उसे मिल जाएगा। एंड यहाँ से ये देख सकते ऐसे ऐसे बनाना पड़ेगा, और इस साइड एक अलग फार्म होगा, तो फिर ये बना दिए मैंने, ये इसको ऐसे लगा देंगे पम्पकिन सीड्स को। गाइस पम्पकिन क्या अपन खा सकते हैं, मुझे पता नहीं है लेकिन शायद से खा सकते हैं, तो फिर अगर खा सकते हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो। एंड गाइस उस साइड की जमीन उपजाऊ नहीं है, उस साइड की जमीन को उपजाऊ करना पड़ेगा गाइस, फटाफट से इधर लगा देते हैं और भी सीड्स, एंड इस साइड की जमीन को उपजाऊ करने के लिए यहाँ से सारे के सारे ब्लॉक्स हटा देते हैं। तो यहाँ पे अपना बन चुका है खेत, एंड बाहर से पानी लेंगे गाइस, अपने खेत में पानी है ना भाई, फिर भी बाहर से पानी लेना है क्योंकि मुझे उसके लिए उधर जाना पड़ेगा। तो फटाफट से ये पानी उठाते हैं एंड यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, जिससे यहाँ पे बन जाएगा अनलिमिटेड वाटर सोर्स, एंड इसी तरह अपन बन जाएंगे प्रो फार्मर। ये देखो अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाने का तरीका भाई मुझे आज ही पता चला है, मतलब आज ही नहीं पता, बहुत टाइम से था, मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, आज मैंने ट्राई किया तो मैंने होगा कि नहीं पॉकेट एडिशन में, लेकिन भाई साहब ये हो जाता है। तो अभी यदि पम्पकिन की खेती, ओ वेट पम्पकिन की खेती इस साइड हो रही, तो आलू की खेती इस साइड करेंगे ना, एक काम करते हैं 3 रो अपन आलू के ले लेते हैं, और पम्पकिन इतना कोई खाता नहीं है तो पम्पकिन की ऐसी तैसी, 3 यहाँ पे 3 रो आलू के,
वेट यार, फिर तो इन्ना हो रहेगा। चलो एक काम करते हैं, इस पे जंप मार मार के इसे खराब कर देंगे। ओके गाइस, तो आज की इस वाली वीडियो में तो भाई अपन ने बहुत तगड़ा फॉर्म बना लिया है। ओके गाइस, तो आज की इस वाली वीडियो में अपन ने बनाया अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में एक फार्म, फूड फार्म है जो कि, एंड गाइस जब तक आपके लिए नई वीडियो आएगी तब तक यहाँ पे एक बकरों का भी फार्म आ जाएगा। तो अगर आ जाए तो प्लीज वीडियो पर लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे मजेदार अलग अलग गेम का कॉन्टेंट अपन डालते रहते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलता हूँ कुछ और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।